हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ स्टफ्ड भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है भिंडी और इसको अच्छे से वॉश करके इसका आगे और पीछे वाला पार्ट मैंने निकाल के इसको ऐसे बीच में कट लगा लिया। सभी भिंडी के साथ मैंने ऐसे किया, सब में मैंने एक कट दे दिया बीच में। और इसमें स्टफिंग के लिए मैं अभी इसका मटेरियल रेडी करती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है रोस्टेड जीरा। मैंने इसको तवे पे रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हल्का सा दरदरा इसको मैंने पीस भी लिया। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच से कम नमक, कम ही लेती हूँ, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और 1 चम्मच हल्दी। और आधा चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ आमचूर पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ये मसाला ऐसे ड्राई भी भर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और 1 नींबू इसमें स्क्वीज करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। अभी मैं बस 1-2 ड्रॉप्स इसमें मस्टर्ड ऑयल की भी डालूंगी। बस इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मसाला मैं इन भिंडियों में भर लूंगी एक एक करके। अच्छे से फिलिंग कर लूंगी इसकी। ऐसे ही एक एक करके सारी भिंडियां मैं रेडी कर लूंगी। अभी मैं भिंडी को स्टफ करूंगी और उसके लिए ले लिया है मैंने सरसों का तेल। इसको गर्म कर रही हूँ। ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारी मेरी स्टफ की हुई भिंडी। मैं इन सबको स्टफ कर लूंगा, फ्राई कर लूंगी। अब इन भिंडियों को मैं फ्राई कर लूंगी। ऐसे बीच बीच में मैं इनको चलाती रहूंगी। इससे क्या होगा कि हर साइड है जो वो अच्छे से कुक हो जाएगी। वैसे तो रूटीन में तो भिंडी को काट कर ही बनाते हैं सब लोग, बट ये है कि जब कोई घर में गेस्ट आ रहे हों या कई बार आपका मन उब जाता है सेम टाइप की भिंडी खा के, तो आप ये एक अच्छा इसको ट्विस्ट दे के इसको इंजॉय कर सकते हो। मेरे घर में भी वैसे तो भिंडी कम ही बनती है, बट जब गेस्ट आने होते हैं, हमारे एक रिलेटिव हैं उनको भिंडी ज़्यादा पसंद है, जब उन्होंने आना होता तभी मैं ये वाली भिंडी बनाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितने अच्छे से भिंडी को खो रही है।
ये देखिए भिंडी हमारी रेडी है, और इससे ज़्यादा मैं इसको कुक नहीं करूँगी। ये भिंडी हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।